स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य योजना संख्या 17 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित उप विषय इतिहास से है और आज का प्रकरण है हमारा बाबर। इसके पिछले वीडियो में हमने 1 से 16 तक के लेशन प्लान को लेकर के बात की है, जो कि आपके इतिहास विषय से संबंधित अलग अलग टॉपिकों पर थे। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आप एसएसटी से लेशन प्लान तैयार कर रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो से अपने लेशन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहां से जैसे ही एसएसटी के लेशन प्लान सर्च करेंगे, आपको 1 से 17 लेशन प्लान देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस पाठ योजना को। सबसे पहले आप यहां पर पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि आप कॉलम वाइज बनाएंगे तो आराम से चीजें मेंशन कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप दिनांक डालते हैं, जिस भी डेट को आप लेशन प्लान बनाएंगे यहां पर वो डेट मेंशन करिएगा। उसके बाद विषय यानी सब्जेक्ट है आपका इतिहास, तो आप हिस्ट्री डालेंगे, ठीक है। चक्र यानी पीरियड की बात की जाए, यहाँ पर फर्स्ट पड़ा है, आप चाहे सेकंड डालें, थर्ड डालें, फोर्थ, ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप कॉपी कर रहे हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड की बात की जाए, तो ये आपका 35 मिनट है, क्योंकि आपकी कक्षाएं छोटी हैं, तो आप इसे 30-45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे भी कॉपी कर लीजिएगा। कक्षा की बात करें तो कक्षा 7 है, कक्षा 7 डालिएगा। और कक्षा 7 से हमारा प्रकरण है आज का बाबर, तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। तो सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए, तो इसमें आप विषय से संबंधित बच्चों को सामान्य जानकारियां देंगे। जैसे ये पहला पॉइंट है, छात्रों में मानव उत्पत्ति के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध ज्ञान कराना। दूसरा है, छात्रों में ऐतिहासिक रुचि उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है, छात्रों में अपने गौरवमय संस्कृति का अध्ययन या उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है, छात्रों में अतीत में हुई भूलों से सीख प्रदान करना तथा अपने जीवन में उनका प्रयोग करना, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, फिर पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट है, छात्रों में प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रति अनुवाद या प्रेम उत्पन्न करना। सातवां पॉइंट है, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीयता भावना का विकास करना। तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्यों को बताएंगे, जो कि आपके विषय से संबंधित रहेंगे। इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियां बच्चों को देते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें कम भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि कई सारे कॉलेज में बच्चे कह रहे हैं कि सामान्य उद्देश्य भी काफी बनवाए गए हैं, 6-6, 7-7 पॉइंट। आप चाहें तो 5 पॉइंट लिखें, आप चाहें तो 2 पॉइंट, अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से आप कम मत लिखिएगा। फिर आगे हम इसी में देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य की बात की जाए, ये आपके प्रकरण यानी बाबर से संबंधित आप विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्रों को बाबर के बारे में जानकारी दे सकेंगे या बाबर के विषय में जानकारी प्रदान कर सकेंगे। दूसरा है, छात्र बाबर के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे। आगे हम देखेंगे इसी में कुछ और पॉइंट। फिर आप अगली हेडिंग डालेंगे भावात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र बाबर के जीवन काल की उपलब्धियों को जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र बाबर के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को बता सकेंगे। तो ये हो गए भावात्मक उद्देश्य। फिर देखेंगे हम अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, इसमें आप लिखेंगे छात्र बाबर के संपूर्ण जीवन में आने वाले परिवर्तनों को जान सकेंगे, उनका वर्णन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र बाबर के साम्राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख कर सकेंगे। तो दोस्तों ये हो गए आपके विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपके प्रकरण से संबंधित थे। फिर आगे हम देखेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप टीएलएम कहते हैं या शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट या श्यामपट, कोई चित्र, कोई मॉडल, कोई वस्तु, जो भी चीजें आप टॉपिक को पढ़ाते समय यूज करते हैं वो टीएलएम में दिखाएंगे। या फिर आप चाहें तो इसमें लिख लीजिएगा कक्षा उपयोगी सामग्री, ठीक है, ये भी आप सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, छात्र छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड। इसमें आप लिखेंगे छात्राएं / छात्र लिख लीजिएगा विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी कुछ बहुत जानकारियां हैं टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए, पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न छात्रों से निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, ठीक है। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे, भारत की राजधानी क्या है। बच्चों ने बताया दिल्ली,
फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, भारत में आक्रमण के समय दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? बच्चों ने बताया इब्राहिम लोदी। फिर तीसरा प्रश्न है, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के समय दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो गए। अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। तो उद्देश्य कथन देखने से पहले दोस्तों यहाँ पर हम दो और प्रश्न देख लेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों ने कहा है कि प्रस्तावना प्रश्न 5 प्रश्नों पे बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो और संख्या बढ़ा लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न करेंगे, भारत की राजधानी क्या है? बच्चों ने बताया दिल्ली। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे, भारत में आक्रमण के समय दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? बच्चों ने बताया इब्राहिम लोदी। फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के समय दिल्ली पर आक्रमण किसने किया? ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा उत्तर वो रहेगा बाबर। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न आपका आएगा, बाबर किस काल का महान शासक था? बच्चे बताएंगे मुगल काल का। फिर आप पांचवा प्रश्न कर लेंगे उनसे कि मुगल काल की स्थापना किसने की? तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, यानी समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। अब यहीं से हम देखेंगे उद्देश्य कथन। ठीक है, तो इस तरह से आप 5 प्रश्नों पर भी बना सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न। जैसा कि मैंने बताया है आप वैसे ही नोट कर सकते हैं। और अगर आपके कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो आप जितना दिया है फाइल में आप इतना ही कॉपी करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे उद्देश्य कथन। इसमें आप लिखेंगे, छात्रों आज हम बाबर के जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन आएगा आपके प्रकरण से रिलेटेड। प्रकरण है आज आपका बाबर, तो वही आपका उद्देश्य कथन आएगा। आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए, इसमें आप पूरे टॉपिक को समझाने से पहले विकासात्मक प्रश्न करते हैं, परिचय के माध्यम से टॉपिक को समझाते हुए स्पष्टीकरण देते हुए पूरे टॉपिक को बच्चों को समझाएंगे। इसके लिए आप 6 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि या प्रतिविधि, श्यामपट कार्य। तो इस तरह से आप 6 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। आपने पहला प्रश्न किया, दिल्ली किसकी राजधानी है? बच्चों ने बताया भारत की। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो रही है, क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राओं का उत्तर दे रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, 1526 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पर आप डाल लीजिएगा समस्यात्मक प्रश्न या छात्र निरुत्तर। ठीक है, आगे हम देखेंगे। फिर आप परिचय देंगे बाबर के बारे में, बाबर का प्रारंभिक जीवन कैसा था? ठीक है, उनके बारे में सब कुछ लिखेंगे। इसमें आप लिख सकते हैं, बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 12 वर्ष की अल्पायु में मध्य एशिया की एक छोटी जागीर फरगना का शासक बना। 1526 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर मात्र, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, 4 वर्षों तक शासक रहा और शासक रूप में शासन किया। तो इस तरह से आप बाबर का प्रारंभिक जीवन बताएंगे। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ भी आपने पाठ से संबंधित व्याख्या दी या स्पष्टीकरण, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गए। फिर आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे, बाबर का पूरा नाम क्या था? बच्चों ने बताया जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। दूसरा, किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की? बच्चों ने बताया बाबर। फिर आप लिखेंगे, इसी में तीसरा प्रश्न आप लिख लीजिएगा, बाबर ने 1526 में कौन सा युद्ध जीता? ठीक है, तो यहाँ पर निरुक्तर आएगा, उसके बाद आप बाबर के सभी युद्धों के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने जीता था, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ के लिखिएगा। छात्र क्रिया में छात्र जो है चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर पाठ से संबंधित व्याख्या हो गई, इसलिए यहाँ पर व्याख्यान विधि हो गई। फिर ये पहली लड़ाई थी, दूसरा फिर आप इसी में डाल लीजिएगा खानवा की पहली लड़ाई, उसके बाद आप डाल सकते हैं चंदेली का युद्ध। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं 29 में घाघर का युद्ध हुआ था, 30 में बाबर की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज लिखिए, ऐसे सामने उनके मेंशन करिएगा। इतना सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन चीजों को आराम से पढ़ के भी लिख सकते हैं। आप पॉइंट वाइज लिखें चीजों को तो आपको लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर हमारा जो प्रस्तुतिकरण प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। एक चीज और, यहाँ पर फर्स्ट पेज पे जो विकासात्मक प्रश्न 2 हैं, आप चाहें तो 3 कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, 1526 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न करेंगे, बाबर किस वंश का महान शासक था? तो यहाँ पर आप छात्र निरुक्तर हो जाएंगे और इस तरह से आपका विकासात्मक प्रश्न 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न। इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचने के लिए कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया है, उसके लिए विकासात्मक प्रश्न करेंगे। इसमें आप पहला प्रश्न करेंगे पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई, दूसरा प्रश्न है बाबर ने राणा सांगा को कब परास्त किया, तीसरा है बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है, ठीक है, चौथा है कान्हा का युद्ध कब हुआ। इसी में आप पांचवा पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं, बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरह से आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न देकर के बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आपने जो भी टॉपिक को पढ़ाया उन्हें कितना समझ में आया है। आगे हम देखेंगे इसी में श्यामपटकार यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं। तो ब्लैक बोर्ड वर्क बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा कि आप फर्स्ट पेज पे चीजें मेंशन करते हैं। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें मेंशन करेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, उसके बाद कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, दूसरा बाबर का जन्म फरगना घाटी तुर्किस्तान में हुआ था, तीसरा है बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 12 वर्ष की अल्प आयु में की थी, चौथा है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई थी। तो इस तरह से आप बाबर के बारे में भी लिखेंगे, ठीक है, श्यामपट कार्य पे। आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य यानी ऑब्जर्वेशन वर्क। इसमें आप लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देंगे या देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम का कक्ष का निरीक्षण करते हुए छात्रों की या छात्राओं की आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगे या करेंगी। तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन कार्य स्वयं करेंगे या करेंगी। फिर आगे हम देखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं। इसमें आप पूरे टॉपिक का पुनः रिवीजन करवाते हैं। इसके लिए आप कोई भी प्रश्न दे सकते हैं, जैसा पहला दिया है सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबा ने किस पे। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे बाबा ने चंदेरी के मेदिनी राय को कब परास्त किया, तीसरा प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब हुई, चौथा भी आप लिख सकते हैं बाबर द्वारा युद्ध 1526 में कौन सा लड़ा गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्नों के लिए दे सकते हैं, इससे आप पूरा टॉपिक का रिवीजन अच्छे से करा सकते हैं। फिर लास्ट में हम देखेंगे गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्नोत्तर दे सकते हैं, कोई टिप्पणी हो गई, कोई प्रश्नोत्तर हो गया, सही मिलान, सही गलत, या आप रिक्त स्थानों की पूर्ति भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ सही मिलान दिया है, जैसे कि यहाँ पर मिलान दिया है, एक तरफ वर्ग का डालिएगा, दूसरी तरफ वर्ग खा डालिएगा। एक तरफ आप लिखिएगा पानीपत का युद्ध, बाबर की मृत्यु, घाघर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, और पानीपत का युद्ध। तो इस तरह से आप चीजें लिखेंगे। एक तरफ आप लिख लीजिएगा इनकी डेट 1530, 1529, 1526, 1528 जो खानवा का युद्ध हुआ, जो आपका घाघरा का युद्ध हुआ, ठीक है। तो इन चीजों की आप डेट डाल करके ऐसे ही मिलान करने को दे सकते हैं बच्चों को घर से करने के लिए, और बच्चे से घर से करके लाएंगे। और यहाँ पर जो आपका पाठ योजना संख्या 17 था वो कम्प्लीट हो गया है, और लास्ट में आप अपने सब्जेक्ट टीचर से यहाँ पर साइन कराएंगे जैसा कि किया गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या 18 को लेकर के, जो कि आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय इतिहास से रहेगा और प्रकरण रहेगा आपका हुमायूं का जीवन काल। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट द्वारा आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।